फ्रैंकलिन के पास जो है वो अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे, तो इसको काफी टाइम से निंजा लेनी थी H2, तो फाइनली अब इसके पास पैसे हो गए थे। 22-22.5 लाख की बाइक थी, तो अब इसने ले लिया है वो। और इसके अलावा इंडिया में प्राइस की बात करें तो लगभग 30 लाख की बाइक है, और ऑर्डर दे चुका है, पेमेंट भी हो चुकी है, और इसके घर पे आ चुकी होगी बाइक, तो हम उसकी डिलीवरी लेने ही जा रहे हैं बस। और ये इसकी KTM है जो इसने थोड़े दिन पहले इंडिया से इंपोर्ट करवाई थी, KTM RC 390। ये भी इसे महंगी पड़ी थी, इंडिया में तो 2 लाख कुछ की है, लेकिन इंपोर्ट कर करके इसको महंगी पड़ गई थी। और H2 की बात करें तो उसके फीचर्स की बात, चलो मैं वहीं जाके दिखाऊंगा, पहले पहुंचते हैं। और यार इसको एक गैरेज भी खरीदना है, तो आज गैरेज के लिए जगह ढूंढने जाएंगे कि कहीं पे बिखरा हो कोई गैरेज, क्योंकि इसके पास बाइक्स काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ऊपर से गोल्ड कलर की लैम्बोर्गिनी भी थी, तो लैम्बोर्गिनी ये अभी अभी खड़ी करके आया अपने दोस्त के घर के गैराज में, क्योंकि वहाँ पे तो जगह बचती नहीं भाई साहब, पहले ही 2-2 बाइकें 3-3 बाइकें हैं, और एक और बाइक नहीं आ रही है, ऊपर से एक गाड़ी भी खड़ी है। तो इसने सोचा कि लैम्बोर्गिनी को वहाँ खड़ी कर आता हूँ, यहाँ पे सेफ़ नहीं है और वैसे भी जगह नहीं है। तो आज H2 में हम जाएंगे, गेड़ी मारेंगे। ओ तो ये आ गया है ट्रेलर फाइनली, हमारी निंजा H2। बड़े टाइम से आ जाती है यार बाइक, हमेशा जब भी मैं आता हूँ मतलब हमेशा मिलती है मुझे खड़ी हुई यहाँ पर। तो मैं लगा देता हूँ पहले, ये देखो ये R1 है इसकी पुरानी, और ये KTM RC, और वो रही नई निंजा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैम्बोर्गिनी जो है ये अपनी खड़ी करके आया दोस्त के घर पे, क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ पे। और ये आ गई है फाइनली हमारी निंजा H2, जो कि के पड़ी है इसे 22-23 लाख के आसपास की। तो फटाफट से इसको ट्रेलर से उतरवाते हैं और शहर में गेड़ियाँ मारते हैं। सबसे पहले तो रैंप खुलो भैया, तुम भी खुलो, और अब हम ऊपर चढ़ेंगे। अबे डाइव मत मार दादा, अबे बेशरम। ये रही यार अपनी क्या बाइक है भाई साहब, ओए होए होए होए। पहले इसे मैं नीचे उतरवाता हूँ फिर दिखाता हूँ। चलो भैया नीचे उतारो, नीचे उतारो, संभाल के रोच नहीं पड़नी चाहिए, इतनी महंगी बाइक ली है, पहली बाइक है इसकी इतनी महंगी। पिछली जो R1 ली थी वो सस्ती थी, इसको पड़ी थी 20 लाख के आसपास की। ये देखो भाई साहब क्या बाइक है यार, और इसने आज शॉर्ट्स भी ग्रीन पहने हैं, क्योंकि इसे पता था ग्रीन कलर में है ये, मिक्स ब्लैक और कार्बन ब्लैक और ग्रीन में, तो शॉर्ट्स भी मैचिंग मैचिंग से है। ये देखो भाई साहब क्या गजब लग रही है यार। ओहो एग्जॉस्ट देखो, साउंड सुनाओ इंजन की, अच्छी है यार, मतलब अलग ही है, थोड़ी भारी आवाज़ है घूम घूम वाली। ये देखो तो शहर में गेड़ी मारते हैं, और टॉप स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है, तो वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा एयरपोर्ट जाके। और आज गैराज भी ढूंढना है, तो आज भी वो भी काम कर लेंगे, कितने का गैराज वगैरह मिल रहा है पूरा सर्च कर लेंगे। और स्पेसिफिकेशन की बात बताऊं तो इसमें 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन है, 998 cc आई थिंक इंजन, तो बहुत अच्छा है यार, मस्त पावर है बाइक में। ये देखो मतलब कि 0 to 100 कितने सेकंड में पहुंचेगी, ये तो हम वहीं पे ही देख पाएंगे एयरपोर्ट पे जाके, यहाँ पे तो पता चलेगा नहीं ढंग से। तो पहले एयरपोर्ट चले यार, गैराज देखने चले, पहले एयरपोर्ट चल लेते हैं या फिर गैराज ढूंढ लेते हैं यार, ज़रूरत है गैराज की। तो मैप में मैं ढूंढता हूँ गैराज कहाँ पे मिल रहा है कोई, तो यहाँ पे है ये एक ग्रूव स्ट्रीट गैराज, तो जाके देखते कितने का मिल रहा है, उल्टे जाना पड़ेगा अगर बजट में। अभी तो वैसे इसके पास पैसे नहीं है यार, इतनी महंगी बाइक ले ली है 22-23 लाख की, तो अभी तो ये जॉब कर रहा है एयर एशिया में, मैंने वीडियो बनाई थी उसके रिगार्डिंग भी, तो 8 लाख रुपए मिल जाता है इसको एक फ्लाइट का सीधा, तो हो जाता है यार काम इसका काफ़ी सही। तो अभी ये पैसे जोड़ के पहले गैराज खरीदेगा, ताकि एक ही जगह पर सारी गाड़ियाँ और बाइक आ सके इसकी, क्योंकि लैम्बोर्गिनी अपने दोस्त के घर खड़ी कर रखी है, इसने जगह थी नहीं गैराज। ये देखते कितने का मिलेगा और फिर पैसे जोड़ के खरीदेंगे गैराज भी। और यार बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है ये देखो, 160 तो बस 2-3 सेकंड में पहुंच जा रही है स्पीड। ओहो भाई साहब कंट्रोल भी हुई, अबे ओ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, गधे कहाँ गया नमूना, अभी ठुकवा देता नई बाइक को। यार बहुत मस्त है ये देखो ना, 2 सेकंड में 150-160 की स्पीड पकड़ रही है। एयरपोर्ट पे चेक करेंगे क्या स्पीड आएगी, और भाई साहब एग्जॉस्ट साउंड तो अलग ही है, इतना मोटा डबल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। और यार पैसा बेशक से बाइक पे ज़्यादा लगे, मतलब इतना महंगी बाइक है, लेकिन यार परफॉर्मेंस भी आपको उतनी मिलती है। और काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि एवरेज कितनी देती थी पुरानी बाइक में, यार इनकी एवरेज कुछ खास नहीं होती, बस वही 10-5 की दे देती है। और यहीं कहीं गहरे हाथ दिखा रहा है ये, अरे इधर की साइड से भाई, ओ यहाँ है क्या, ये यही है, कितने का है पर पता कैसे चलेगा, फॉर सेल तो ये है $30,000 का। तो अभी फ्रैंकलिन के पास पड़े हैं यहाँ पर $89,000, लेकिन मतलब ये खरीद सकता है, लेकिन अभी इसको EMI भरनी है एक दो चीज़ों की, तो ये अभी नहीं लेगा, नेक्स्ट एपिसोड में मैं खरीद लूँगा ये गैराज, एक सैलरी आते ही 8 लाख रुपये की सीधा। और सस्ता है यार गैराज, मेरे को लगा महंगा मिलेगा। और अब यहाँ से एयरपोर्ट चलते हैं, इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं बाइक की, मतलब सही है यार, $30,000
$30,000 में मिल रहा है अगर गैराज, और इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 21 लाख के आसपास हो गए। तो इसके बाद पैसा तो इतना है यार अभी काफ़ी, बाकी देखते हैं थोड़ा सा अभी EMI वगैरह भरनी है इसको, पेमेंट्स करनी है अपने दूसरे नए घर की भी, फिर ले लेगा अगले एपिसोड में, कोई बात नहीं यार, इतना तो वेट कर ही लेगा। अपने दोस्त के घर पे लैम्बोर्गिनी रख सकता है। ओहो भाई साहब क्या बाइक है यार, और ये एयरपोर्ट आ ही गया, नीचे जाना है हमें बस। पता नहीं मैं हमेशा क्यों ऊपर वाले रास्ते से आ जाता हूँ, जबकि जाना नीचे होता है और यहीं से घुमा के जाना पड़ता है फिर मुझे हमेशा। बस पहुंच ही गए हैं। ओहो स्केट्स मार रहे हैं, क्या बात है लौंडे, तोड़ दे, हमेशा का यही है इसका सीन। लो जी हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे, और अब रनवे पे चलते हैं सीधे वाले, ताकि स्पीड टेस्ट कर सके इसकी कि टॉप स्पीड कितनी है। तो 3, 2, 1 गो। ओए ये देखो 2 सेकंड में 140 छू ली। ओ भाई 220 पार कर गई 5 सेकंड में, 240 शेट, 250, 260 टच कर चुकी है, शेट रनवे ख़त्म हो गया। ये भाई साहब 280 की है बिल्कुल स्पीड इसकी, मतलब 280 क्लियर कर जाएगी आराम से। थोड़ा और पीछे जाता हूँ और फिर अच्छे से एक बार ट्रैश करते हैं, और व्हीली भी मारेंगे एक दो, यहाँ से करते हैं टेस्ट। अरे तो करना वो 160, 180, 200 टच कर लिया हमने, नाइस। एक बार और ट्राई करेंगे, शायद से यहाँ से करेंगे तो 270, 280 पहुँच जाए। गो यार, ये हुआ नहीं ढंग से वैसे, कोई नहीं ट्राई करते हैं। 220, 240, 250, 260, यस, कम ऑन, 270, बस यार 270 ही जा पा रही है। मेरे ख्याल से ये रनवे छोटा है 280 तक, वैसे कंपनी ने बताया है कि 280, 290 पहुंच जाती है, लेकिन रनवे छोटे होने की वजह से पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन बाइक देखो यार क्या गजब है, और एग्जॉस्ट साउंड तो इसकी प्यारी है ना इतनी ज़्यादा। चलो अब व्हीली मारते हैं यहाँ पे, तो गो। ओहो भाई इतनी भारी बाइक उठा दी, ये देखो अभी भी एक टायर पे चला रहा है, क्या बात है भाई साहब क्या बात है। ओए तो चलो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अब अभी हम घर जा रहे हैं वापस फ्रैंकलिन के गैराज में खड़ी करने है भाई। और नेक्स्ट एपिसोड जरूर बताना यार नीचे कमेंट सेक्शन में कि गैराज खरीदने वाला मैं बनाऊं या ना बनाऊं। इसके अलावा नई बाइक्स के भी सजेशन दे दो कि कौन सी खरीदनी चाहिए, अब इसकी अच्छी खासी जॉब है फ्रैंकलिन की तो पैसा इसके पास है काफी सारा, ये खरीद सकता है बाइक्स वगैरह। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन सी बाइक्स आप चाहते हो फ्रैंकलिन खरीदे, उसकी डिलीवरी या फिर इंडिया से इम्पोर्ट करवानी हो वो भी आप बता ही सकते हो। काफी बाइक्स है इंडिया में भी अच्छी अच्छी, तो इंडिया से इंपोर्ट भी करवा सकते हैं हम। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में गैराज खरीदेंगे इसका पक्की बात है, क्योंकि फ्रैंकलिन के दोस्त के घर पे कब तक लैम्बोर्गिनी खड़ी करूंगा मैं। और यार इस बाइक में बहुत ज्यादा पावर है, हद से ज्यादा, मतलब कंट्रोल नहीं होती अगर ऐसी गलियों में चलाओ तो। ये तो हाईवे के लिए बनी हुई है, क्योंकि इतनी खतरनाक पावर है ना इस बाइक के अंदर, मतलब जरा सा थ्रोटल देते ही भाई साहब इतनी तेज भागती है। चलो ये घर आ गया इसका, खड़ी करते हैं अपनी बाकी बाइक्स के कलेक्शन के साथ में। ये अपनी R1, ये रही KTM, और ये रही हमारी निंजा H2 लैम्बोर्गिनी है इसके दोस्त के घर पे। तो चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप पूछना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूजर नेम है ANM4XO3XL, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज नहीं पढ़ना पीका, बाय।